जैसा कि आपको पता है कि 2020 में जो गवर्नमेंट ने DLED यानी कि टीचर ट्रेनिंग के एडमिशन के लिए मार्क बेसिस पर अप्लाई लेना शुरू कर दिया है, तो इसमें जब अप्लाई होगा तो बिहार बोर्ड इसका अप्लाई नहीं ले रहा है। जितने भी गवर्नमेंट के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज हैं वो कॉलेज अपनी अलग अलग वेबसाइट से आवेदन ले रहे हैं, तो सभी कॉलेज अलग अलग वेबसाइट अपनी अपनी वेबसाइट से आवेदन ले रहे हैं। तो बिहार में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं कहीं से भी आप अप्लाई DLED के लिए आवेदन कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो इससे पिछले वाले मैंने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिहार के मधेपुरा जिला में दो DLED कॉलेज आते हैं। दोनों DLED कॉलेज के बारे में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करके लाइव आपको वीडियो में दिखाया था। पहला PTEC सुखासन में है, जिसे मैंने आपको लाइव रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करके दिखाया था। दूसरा मधेपुरा में है, ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे कि बिहार की राजधानी पटना में जो डाइट ट्रेनिंग कॉलेज है तो उसमें DLED के लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक का पूरा प्रक्रिया बताने की जा रहे हैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जिसान मॉनिटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आपको आपके फ़ोन तक पहुंच सके। मैं कोशिश कर रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज के वीडियोस अलग अलग बना दो, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट है, अलग अलग तरीका है अप्लाई करने का। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पटना के DLED कॉलेज में किस तरह आवेदन करते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पटना की इस वेबसाइट का लिंक दिया है जो आप देख सकते हैं। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था पटना, ये मैं पटना के जो ट्रेनिंग कॉलेज उसकी वेबसाइट पर आ गया हूँ, आप भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीछे वाले दो वीडियो का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट पर आना हो, वेबसाइट पर आने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन 2022 पर क्लिक करेंगे। जैसे आप 2022 पर क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगी। नीट ओपन हो जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुली अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप है कि टेम्पोरी का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना होगा, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। सबसे पहले यह स्टेप को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जनरेट टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर हम पहले जनरेट करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट का फुल नेम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे और ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, थैंक यू योर टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे एक टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल चुका है, इस टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर को हम नोट कर लेंगे क्योंकि आगे हमें इसकी काम पड़ने वाली है। उसके बाद फिर से इसी वेबसाइट पर आएंगे। मैंने पहला स्टेप को कंप्लीट कर लिया है, आप भी पहले स्टेप को इस तरह कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कॉलेज के नाम और कॉलेज की एड्रेस यहाँ पर आपको आ चुकी है, तो ये सही है। तो इसे उसके बाद पेमेंट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे एप्लीकेशन फ़ी को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट का फुल नेम, उनके फादर का फुल नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, यहाँ पे टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा जो कि अभी मैंने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके बनाया था, तो वो टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना होगा। टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर दे चुके हैं और यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं, 100 ऑटोमेटिक है ऑलरेडी क्योंकि 100 रुपये ही इसका चार्ज है। उसके बाद यहाँ पे फिर से स्टूडेंट का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देंगे। उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसका जो डिटेल आपने फिलअप किया पूरी डिटेल यहाँ पे आपको शो कर जाएगी, अगर डिटेल सही है तो कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करने बोले, अगर SBI की इंटरनेट बैंकिंग से करते तो आपको 11 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, अगर आप अदर बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से करते तो आपको 17 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, अगर आप डेबिट कार्ड से करते तो कोई चार्ज आपको नहीं देना होगा, क्रेडिट कार्ड से करते तो आपको 12 रुपये चार्ज देना होगा, अगर UPI से पेमेंट करते तो इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं अभी UPI से पेमेंट करूँगा। UPI को सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तक आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि
BPA नंबर से पेमेंट करेंगे या QR कोड से पेमेंट करेंगे। चलिए मैं QR कोड से पेमेंट करता हूँ, QR कोड को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने एक QR कोड आ गया, इसको हम स्कैन कर लेंगे। यहाँ पे टाइम है इस टाइम के अंदर। उसके बाद मैं अपने फ़ोन पे से इस QR कोड को स्कैन कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ से आप फ़ोन पे से इसको पेमेंट कर रहे हैं। मैंने फ़ोन पे से पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो मेरा फ़ोन पे से पेमेंट सक्सेस हो गया। तो अब यहाँ पे हम कुछ वेट कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा। देख सकते पेमेंट सक्सेस हो गया, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे हमें एक रेफरेंस नंबर भी मिल गया, इस रेफरेंस नंबर को हम कॉपी करेंगे। उसके बाद फिर से इसी वेबसाइट पर आएंगे। पहले तो हमने दो स्टेप कंप्लीट कर लिया, पहला टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिए हैं और दूसरा स्टेप मैंने एप्लीकेशन फ़ी भी पेमेंट कर दिया है। अब तीसरा स्टेप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, जो टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन करके बनाए थे, ये टेम्पोरी रजिस्ट्रेशन नंबर, इस नंबर को यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद जब आप पेमेंट किए थे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिला होगा, उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके साथ उसका एक रिसिप्ट मिला होगा, जो आप पेमेंट करने के बाद जो वहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर मिलता है वही रिसिप्ट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उस फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे और यहाँ पे एक पासवर्ड साइज की फ़ोटो अपलोड करेंगे, जिसकी केवी 100 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, किस सब्जेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, साइंस आर्ट से जिससे भी करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट का फुल नेम देंगे, स्टूडेंट का फादर्स का फुल नेम, स्टूडेंट का मदर का फुल नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देंगे, कैलेंडर पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी से आप आते हैं, जेंडर BC EBC EWS किस कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जिस भी कैटेगरी सेलेक्ट किए उसकी आपको प्रूफ अपलोड करने होंगे, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। अगर आप EWS सेलेक्ट करते हैं तो EWS को अपलोड करना होता है। अगर आप किसी अदर जाति को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड करेंगे, जिसकी केवी 500 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी कह रहा है, यानी कि आप अगर विकलांग वगैरह हैं तो किस टाइप के वो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि आप बिहार के रहने वाले हैं तो यस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस देंगे और यहाँ पे एरिया का पिन देंगे और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम देंगे और आपका वर्तमान पता और परमानेंट पता अगर सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका परमानेंट और वर्तमान अलग अलग है तो नो पे क्लिक करेंगे और वर्तमान पे पता को आप यहाँ पे इंटर करेंगे। चलिए मेरा दोनों पता सेम है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े हो, ग्रेजुएशन किए हैं या PhD किए, जहाँ आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कह रहा है मैट्रिक, जहाँ जिस बोर्ड से आप किए वहाँ पे मार्क बेसिस था या ग्रेड बेसिस था, तो यहाँ पे जैसे कि बिहार बोर्ड है मार्क बेसिस और CBSE है ग्रेड बेसिस, तो यहाँ पे मार्क बेसिस को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्क एंट्री करेंगे, मैट्रिक के मार्क की एंट्री करेंगे, उसके लिए एड एंट्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैट्रिक का फुल मार्क कितने का था वो देंगे और कितना मार्क आया वो देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका परसेंट आ जाएगा, यह सही है, उसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक का मैंने मार्क का एंट्री कर दिया है, जिसमें फुल मार्क और जितना आया वो और परसेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है और साथ साथ यहाँ पे परसेंट आपको दिखा दे। इसी तरह इंटर का मार्क का आपको एंट्री करना होगा, उसके लिए एड एंट्री पे क्लिक करेंगे। इंटर कितने मार्क का था वो आप यहाँ पे देंगे और कितने मार्क आया वो आप यहाँ पे देंगे, उसका परसेंट कितना आ गया वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप परसेंट देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैट्रिक का रोल नंबर, मैट्रिक का रोल कोड देंगे, मैट्रिक का रोल नंबर देंगे, इंटर का रोल नंबर, इंटर का रोल कोड, जो कि आपको मार्कशीट में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना होगा, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक की जीरोक्स कॉपी करके उस पर सिग्नेचर करके आपको अपलोड करना होगा मैट्रिक की मार्कशीट को, और इंटर की मार्कशीट को आपको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना होगा, जिसकी केवी 200 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अपनी एक ईमेल आईडी देंगे, एक मोबाइल नंबर देंगे। याद रखेंगे एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर एक कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एक ही बार यूज करें, तब आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर देंगे, उसके बाद चेकबुक को यहाँ पे सभी चेकबुक को टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर 200 KB से कम की सिग्नेचर अपलोड करेंगे, इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, जो डिटेल आपने फिलअप करेंगे वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ये सारा डिटेल आप सही है चेक कर लेंगे, डिटेल कुछ गलत तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पूरी डिटेल सही है तो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करें। उसके बाद आप
पूरा एप्लीकेशन को देख लेंगे सही है, तो उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करें। जैसे सबमिट करेंगे आपका देख सकते आपका सबमिट हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड योर रिस्पॉन्स एज पीडीएफ, इसको आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी एक कॉपी आपको ईमेल पे भेज दी गई है। इसी पीडीएफ में आपका जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारा चीज होगा, ठीक है। इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और ये आपका रिसिप्ट हो गया, और आपको भी इसकी रिसिप्ट की एक कॉपी मेल पे मिल जाती है। उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आप डायरेक्ट मत पटना के लिए डीएलएड में अप्लाई करने के लिए पूरा प्रोसेस जान गए हैं।